रहे हैं एन फैक्टर फॉर सम स्पेशल स्पीसीज, क्योंकि अभी तक हमने सारे केस कवर कर लिए, रिएक्शन रेडॉक्स होगी तो क्या होगा, रिएक्शन नॉन रेडॉक्स होगी तो क्या होगा, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में कुछ स्पीसीज पर्टिकुलर किसी चीज में कन्वर्ट होते हैं जो कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं बात करता हूं पहले पर मैग्नेट आयन, ठीक है, या फिर ऐसा बोला जाए पोटेशियम पर मैग्नेट की बात करूं तो ध्यान से देखना, ठीक है, या फिर मैग्नेट आयन ठीक है, MnO4 नेगेटिव की बात करते हैं तो देखो MnO4 नेगेटिव जो एसिडिक मीडियम में है ना, यदि मीडियम एसिडिक है तो वो जाता है Mn2 पॉजिटिव में, किस में जाता है, Mn2 पॉजिटिव में, समझ रहा हूं मेरी बात। यदि मीडियम डियर स्टूडेंट्स आपका न्यूट्रल है, यदि न्यूट्रल मीडियम है तो MnO4 नेगेटिव जाता है MnO2 में, ठीक है, और यदि आपका मीडियम स्ट्रॉन्गली बेसिक है, यदि स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम है तो MnO4 नेगेटिव चला जाता है किसमें, MnO42 नेगेटिव में। इन तीनों केस में Mn आपका किसमें, +7 में, ठीक है, और यहां पे Mn +2 पे। तो देखो यदि मैं बात करूं n फैक्टर ऑफ MnO4 नेगेटिव तीनों केस में कितने का चेंज है, इस केस में देखो एक ही Mn है और एक Mn के लिए कितने का चेंज, 5 का चेंज, बताओ कंपाउंड के अंदर एक ही Mn है और 7 - 2 5 का चेंज, ठीक है, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा MnO4 नेगेटिव का 5, ठीक है। Mn यहां पे +4 में, समझ रहे हो मेरी बात, एक ही Mn है, MnO4 नेगेटिव का n फैक्टर बताना ना मेरे को, तो Mn एक ही है, समझ रहे हो मेरी बात, तो बताओ एक Mn के लिए कितने का चेंज, 3 का चेंज, n फैक्टर क्या हो जाएगा 3, समझ रहे हो। यहां पे Mn कितना है स्टूडेंट्स, +6 में, तो देखो Mn +7 और +6 में और MnO4 नेगेटिव में Mn किस में, +7 में, और एक ही Mn है तो बताओ कितने का चेंज, 1 का, MnO4 नेगेटिव n फैक्टर क्या हो गया 1। तो ये हमने बात कर ली पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज मैग्नेट आयन की, समझ रहे हो मेरी बात। अब बात करते हैं सेकंड डियर स्टूडेंट्स पोटेशियम डाइक्रोमेट की, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट यदि रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है, इफ इट इज पार्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, या ऐसा बोलूं पोटेशियम डाइक्रोमेट जब किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, इफ इट इज पार्टिसिपेटिंग इन रिडॉक्स, तो उस बात को ध्यान से देखना, जो आपका CrO42 नेगेटिव है पोटेशियम डाइक्रोमेट है, दैट इज Cr2O72 नेगेटिव, क्या है Cr2O72 नेगेटिव, एनी मीडियम यदि रिडॉक्स रिएक्शन होनी है, क्रोमियम को यदि अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करना है तो +6 के साथ उसका दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है क्रोमियम +3, किस में जाएगा क्रोमियम +3 में, ठीक है। तो बताओ एन फैक्टर क्या हो जाएगा Cr2O72 नेगेटिव का, एक क्रोमियम के लिए कितने का चेंज 6 - 3 का, और कंपाउंड के अंदर कितने क्रोमियम है 2 क्रोमियम है, तो एन फैक्टर क्या हो गया 6 हो गया, और यहां पे एन फैक्टर कितना हो गया बताओ, एक ही क्रोमियम है और एक क्रोमियम के लिए कितने का चेंज 3 का चेंज, तो कितना हो गया एन फैक्टर 3 हो गया। ये हमने बात कर ली पोटेशियम डाइक्रोमेट की, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं अपन थर्ड जो केस है H2C2O4 की, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड की। यदि अब दो चीज हो सकती है, या तो H2C2O4 किस का काम करे रिडॉक्स रिएक्शन का पार्टिसिपेट करे, तो रिडॉक्स रिएक्शन में H+ से N फैक्टर लेना देना नहीं होता, तो ये क्या करता है यहां पे H+ की प्रेजेंस एसिडिक मीडियम बस प्रोवाइड करती है, दैट्स इट, ठीक है। यदि ऑक्सैलिक एसिड यदि नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है, दैट इज एसिड का काम कर रहा है, यदि एसिड का काम कर रहा है तो वो या तो एक H+ दे दे या दो H+ दे दे, तो बताओ क्या करेगा, यदि H2C2O4 एक H+ दे रहा है तो क्या लिखोगे H+ + C2O4 नेगेटिव, और एसिड बेस रिएक्शन में एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, कितना H+ दिया है, एक H+ दिया, एन फैक्टर क्या हो गया 1। यदि इसने डियर स्टूडेंट दोनों H+ दे दिए, H2C2O4 किस में चला जाए 2H पॉजिटिव +C2O42 नेगेटिव, तो उस केस में एन फैक्टर कितना हो जाएगा H2C2O4 का 2 हो जाएगा, क्योंकि इसने 2H+ दिए। लेकिन यदि ये रिडॉक्स का काम करता है H2C2O4, यदि ये किसका काम करता है रिडॉक्स का काम करता है, ठीक है, तो बी केस कह रहा हूं यदि रिडॉक्स का काम कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना H+ से मतलब नहीं है, ठीक है, H2C2O4 की प्रेजेंस हमें ये बता रही है कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, C2O42 नेगेटिव हमेशा CO2 में जाता है, किस में जाता है CO2 में जाता है, ठीक है। कार्बन किस में यहां पे डियर स्टूडेंट्स +3 में, समझ रहे हो, और यहां पे किस में कार्बन +4 में, ठीक है। अब कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है 2 कार्बन है, और एक कार्बन के लिए कितने का चेंज 4 - 3, और कितने कार्बन है 2 कार्बन है 4 - 3 × 2, दैट इज एन फैक्टर क्या हो जाएगा C2O42 नेगेटिव का 2, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा एक ही कार्बन है और एक कार्बन के लिए कितने का चेंज 4 - 3 × 1, कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन, कंपाउंड कौन है CO2 और एक कार्बन है, दैट इज एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1,
समझ रहे हो मेरी बात? इस तरीके से आप H2C2O4 का डिपेंड करेगा, आपको समझ में आ जाएगा। सामने NaOH आ रहा तो बेस आ रहा है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, यदि KMnO4 आ रहा है तो बताओ कौन सी रिएक्शन होगी? आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होगी, क्योंकि KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का रिडक्शन, सामने वाले का ऑक्सीडेशन। समझ रहा हो ना मेरी बात? चलो अब देखो ध्यान से, उसने बोला है फाइंड एन फैक्टर ऑफ, क्वेश्चन देखो यहां पे, फाइंड एन फैक्टर ऑफ H2C2O4.3KSC2O4.8H2O। ये कंपाउंड है, उसने बोला यदि रिएक्शन रिडॉक्स है और रिएक्शन रिडॉक्स है तो सारे कार्बन किसमें जाएंगे? सारे कार्बन CO2 में चले जाएंगे, मतलब +4 में चले जाएंगे। और कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है? 2 और 3 2 6, 8 कार्बन है। तो कितने का चेंज आ रहा है बताओ? कितने का चेंज आ रहा है यहां पे? 8 कार्बन है और एक कार्बन के लिए कितने का चेंज? यहां पे कार्बन +4 में, बताओ C2O4 नेगेटिव में कार्बन किसमें होता है? +4 में ही होता है ना, सॉरी किसमें? यहां पे कार्बन किसमें? C2O4 नेगेटिव +3 में, और CO2 में किसमें? +4 में। तो कितने का चेंज एक कार्बन के लिए? 4 -3। और कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन? 2 और 3 2 6 8। तो इस कंपाउंड का इनफेक्टर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यदि रिएक्शन रिडॉक्स है तो इस पूरे कंपाउंड का इनफेक्टर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इनफेक्टर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब रिएक्शन नॉन रिडॉक्स है मतलब ये एसिड का काम करेगा, और एसिड का काम करेगा तो बताओ कितने H+ देगा? कितने H+ देगा? 2 और कितने? 3। कितना इनफेक्टर क्या हो जाएगा? 5। जितने एसिडिक हाइड्रोजन उतना इनफेक्टर। यदि अब उसने रिएक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रखी ना, तो हम क्या मान के चलेंगे? मैक्सिमम बेसिसिटी, यही तो बोलते थे। यदि रिएक्शन एसिड के केस में स्पेसिफाई नहीं कर रखी है तो जितना मैक्सिमम H+ दे सकता है उसी को एनफेक्टर मान लेंगे। एनफेक्टर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है फंडा? अब अगला क्वेश्चन है फाइंड एनफेक्टर ऑफ Fe2O4 इन इट्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यदि Fe2O4 कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या होगा बताओ? आयरन प्लस टू पे तो आयरन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, तो आयरन +2 से +3 में जाता है। और C2O4 नेगेटिव किस में जाएगा? Fe+2 है तो C2O4 किस फॉर्म में? C2O4 नेगेटिव के फॉर्म में, ठीक है। किसमें जाएगा? CO2 के फॉर्म में जाएगा, मतलब कार्बन +4 में। मतलब यहां पे क्या हो रहा है? आयरन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या हो रहा है? कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये एन फैक्टर कैलकुलेशन का कौन सा तरीका चला गया? कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा आइटम दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या फिर दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो बताओ कितने का चेंज आयरन के लिए? 3 -2 × 1 का चेंज, प्लस कार्बन के लिए कितने का चेंज बताओ? 4 -3 × 2, इतने का चेंज। तो कितना हो गया इस कंपाउंड का एनफेक्टर? 3 हो गया। Fe2O4 का एनफेक्टर क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? 3 हो गया। समझ रहा हो ना मेरी बात? बोलो क्लियर है? चलो अब बात करते हैं H2O2 की। अगला जो कंपाउंड है हमारे पास H2O2 है। देखो H2O2 के केस में दो चीज हो सकती है, या तो ये सेल्फ डिकम्पोज हो जाए, और यदि सेल्फ डिकम्पोज होगा, यदि ये सेल्फ डिकम्पोज होगा तो H2O2 किस में जाता है बताओ? H2O+O2 में जाता है कि नहीं? अब देखो ऑक्सीजन यहां -1 पे और यहां पे -2 पे और यहां पे 0, तो देखो -1 वाला ऑक्सीजन डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, क्योंकि -1 से -2 और -1 से 0। तो बताओ ऐसे केस में एनफेक्टर कैसे निकालते हो? जो स्पीसीज डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, जो स्पीसीज डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है उसका एनफेक्टर कैसे निकालते हो आप? N1 × N2 / N1 + N2। N1 क्या होता था? ऑक्सीडेशन हाफ का एनफेक्टर, और N2 क्या होता था? रिडक्शन हाफ का एनफेक्टर। तो देखो ऑक्सीडेशन हाफ के लिए कितने का ऑक्सीडेशन हो गया, कितने का चेंज आया? एक ऑक्सीजन के लिए 1 का चेंज आया, और कंपाउंड के अंदर कितने ऑक्सीजन है? 2। तो N1 की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। N2 की वैल्यू कितनी आ गई? देखो एक ऑक्सीजन के लिए कितने का चेंज? -1 में था और -2 पे चला गया, समझ रहा हो? तो एक ऑक्सीजन के लिए 1 का चेंज, 2 के लिए 2 का चेंज। N2 की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो 2 × 2 / 2 + 2 कितना आ गया बताओ? 1 आ गया। H2O2 का एनफेक्टर कितना आ गया? 1 आ गया। और यदि ये रिडॉक्स का काम कर रहा है, रिडॉक्स मतलब या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, अब देखो ऑक्सीजन -1 में, ऑक्सीजन 0 में भी जा सकता है और किस में जा सकता है? -2 में भी जा सकता है। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम कर सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं, यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है H2O2, यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है तो H2O2 किस में चला जाएगा? सामने वाले का ऑक्सीडेशन, तो खुद का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा, समझ रहा हूं? तो -1 से किस में चला गया? -2 में चला गया। तो एन फैक्टर कितना आ गया? 1 ऑक्सीजन के लिए 1 का चेंज, कंपाउंड के अंदर कितने ऑक्सीजन? 2। तो एन फैक्टर कितना हो गया? 2। समझ रहा हूं मेरी बात? यदि ये थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, यदि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है तो किस में जाएगा बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइज होता था H2O2 किस में जाता है? O2 में जाता है। मतलब -1 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है। तो 1 ऑक्सीजन के लिए 1 का चेंज, तो 2 के लिए कितने का चेंज बताओ? 2 का चेंज। एन फैक्टर तब भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हमने बात कर ली किसकी? H2O2 की। समझ रहा मेरी बात? किसकी बात कर ली? H2O2 की। क्लियर है? चलो अब अगला जो टर्म डिफाइन कर रहा हूं मैं, नॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को जो अपन डिफाइन करते हैं, इसको ये बोला जाता है
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे मोलैरिटी क्या होती थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अब क्या कर दो, मोल में एन फैक्टर और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितने इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, दैट इज नॉर्मलिटी, ठीक है. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, क्लियर है. तो देखो क्या जाएगा, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता था डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता था क्या, मोल इनटू एन फैक्टर. तो नॉर्मलिटी क्या आ गया बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को रख देते मोल इनटू मोल अपॉन वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, ये क्या लिखा हुआ है आपका, मोलैरिटी लिखी हुई है. तो नॉर्मलिटी किसके बराबर आ गया, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर. जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल इनटू एन फैक्टर होता है, वैसे नंबर ऑफ नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होता है. क्लियर है फंडा, इस तरीके से नॉर्मलिटी डिफाइन कर सकते हैं. अब देखो यदि डाइल्यूशन हो रहा है, डाइल्यूशन मतलब तुम पानी ऐड कर रहे हो, और पानी ऐड कर रहे हो तो मतलब आप सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं कर रहे हो. तो एन वन इंटू वी वन क्या होता है, एन इंटू वी क्या होता है, मोल ऑफ सब्सटेंस होते हैं, मतलब मोल ऑफ सब्सटेंस चेंज नहीं हो रहा. तो जब भी डाइल्यूशन हो रहा है तो एन वन वी वन इक्वल टू एन टू वी टू कर सकते हो, क्योंकि मोल ऑफ सॉल्यूट तो वही रहा है, पानी का अमाउंट तुमने बढ़ा दिया. तो एन वन क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन, और वी वन क्या है, वॉल्यूम ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन. समझ रहा हो ना मेरी बात. और एन टू क्या है, फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन. और वी टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन. क्लियर है फंडा, वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन. यदि आप मिक्स कर रहे हो दो सॉल्यूशन को, मिक्सिंग हो रही है, जैसे मैं बात करूं, एक सॉल्यूशन था नॉर्मलिटी एन वन थी और वी वन था, और एन टू था, और दो सॉल्यूशन को मिक्स करके आपने क्या कर दिया, नया सॉल्यूशन बना दिया, ऐड कर दिया, ठीक है, नया सॉल्यूशन बना दिया, वॉल्यूम वी वन प्लस वी टू हो गया. अच्छा बताओ, जब सॉल्यूशन मिक्स होंगे तो वॉल्यूम तो ऐड हो गया, चलो ठीक है, हम मान के चल रहे डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, वॉल्यूम को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है. अब देखो, अब क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, क्या यहां पे जो सॉल्यूट के मोल थे और यहां पे जो सॉल्यूट के मोल थे वो यहां ऐड हो जाएंगे. ऐड कब होंगे, जब जो मिक्सिंग क्या है, नॉन रिएक्टिव, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं दोनों सॉल्यूट क्या कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे, और रिएक्ट नहीं कर रहे तो जैसे मोल यहां पे पड़े हुए थे, जैसे मोल यहां पे पड़े हुए थे तो यहां मोल भी वैसे ही पड़े रहेंगे, कोई किसी को कंज्यूम नहीं करेगा, और कंज्यूम नहीं करेगा तो बताओ जैसे मोल ऐड होते हैं वैसे इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, यदि मैंने बोल दिया कि पहला केस नॉन रिएक्टिव मिक्सिंग, यदि नॉन रिएक्टिव मिक्सिंग है तो नॉर्मलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पुराने वाले ऐड हो जाएंगे, एन वन वी वन पहले इतने इक्विवेलेंट थे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, प्लस एन टू वी टू अपॉन फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया सॉल्यूशन का, वी वन प्लस वी टू. इस तरीके से इस फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या आ जाएगी, एन फाइनल आ जाएगी. समझ रहा हूं मेरी बात, यदि रिएक्टिव मिक्सिंग है, यदि रिएक्टिव मिक्सिंग है, मतलब जैसे मैं बात करूं, आपने AgNO3 प्लस NaCl दो सॉल्यूशन थे, दोनों को मिक्स कर दिया तो रिएक्शन हो जाएगी ना AgNO3 और NaCl में, AgCl, लेकिन ये सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा नहीं, तो इसके इक्विवेलेंट तो गिनेंगे नहीं, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, सॉल्यूशन में मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के, तो ये तो सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा नहीं, नीचे सेटल आउट हो जाएगा प्लस NaNO3. तो ऐसे केस में आपको डायरेक्ट इक्विवेलेंट ऐड नहीं कर देना, आपको पता करना है कितने सॉल्यूशन में इक्विवेलेंट बचे हुए हैं, तो उस समय में नॉर्मलिटी फाइनल क्या हो जाएगी बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिमेनिंग, क्योंकि AgCl को नहीं गिनोगे, हो सकता देखो AgNO3 ज्यादा था NaCl कम था, तो NaCl को पूरा कंज्यूम करके AgNO3 ने क्या बना दिया, AgCl प्लस NaNO3, AgCl सॉल्यूशन का पार्ट है नहीं, NaCl बचा नहीं, तो किसके इक्विवेलेंट के लोगे, AgNO3 के बचे हुए और NaNO3 के बने हुए, दैट्स इट, ठीक है. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिमेनिंग अपॉन वॉल्यूम फाइनल, दैट इज वी वन प्लस वी टू. यदि रिएक्टिव मिक्सिंग हो रही तो हम ये कर देंगे, समझ में आया मेरी बात, ठीक है. चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं. कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 24.5 ग्राम H2SO4 डिसॉल्वड इन 500 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन. तो देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोल बाय वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, क्योंकि मोल इनटू एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है. मोल कितने हो जाएंगे बताओ, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है, 98 होता है H2SO4 का, है कि नहीं, कितना होता है 94 होता है,
ठीक है, सॉरी 98 होता है, क्लियर है। अब H2SO4 का n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 H प्लस देगा। यदि कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो क्या करना है एसिड के लिए, टोटल H प्लस कितने दे सकता है वो गिन लो, 2 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर 500 डिवाइड बाय 1000। तो पहला क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं अपन, समझ गए। सेकंड का सॉल्यूशन देखो, सेकंड क्या है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 250 ml 1/2 नॉर्मल एक्वो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर होता है। नॉर्मेलिटी कितनी है, 1/2, और वॉल्यूम कितना है, 250/1000। तो ये 4 टाइम्स चला गया, तो इक्विवेलेंट कितने आ गए बेरियम हाइड्रोक्साइड के, 1/8। उसने पूछा क्या मोल, तो बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है मोल इनटू एन फैक्टर। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो एन फैक्टर कितने मानेंगे, 2, क्योंकि वो 2H नेगेटिव दे सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया 1/8, मोल आपको निकालने हैं, और एन फैक्टर हो गया 2, तो कितना आ गया मोल, 1/16 आ गए। तो इस तरीके से अपन सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमने सारा एन फैक्टर कैलकुलेशन देख लिया, सारा एन फैक्टर कैलकुलेशन बिल्कुल तरीके से क्लियर होना चाहिए, समझ में आ रहा है। जितने भी एन फैक्टर की वीडियो देख लेना, उसके बाद टाइटरेशन की तरफ मूव करना, सिंपल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसके बाद सारी चीजें कर पाओगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके, टाटा बाय बाय।